अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 33, 4 एंड 35, अगेन गेट क्वेश्चंस भी हैं, आपका नन गेट क्वेश्चन भी है, देखते हैं क्या होता है। द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, इम्पल्स रिस्पॉन्स यू नो वेरी वेल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। चलिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ऑप्शन देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप फंक्शन, नो, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यस रिस्की बताया था, इंटीग्रेशन और ये देखने की जरूरत नहीं है। रिलेशन यू नो वेरी वेल कि स्टेप रिस्पॉन्स जो होता है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, यस और नो, ये रिलेशन हमने देखा ना, ये रिलेशन हमने देखा। यूनिट स्टेप अब फंक्शन की यदि बात करते हैं तो यूनिट स्टेप फंक्शन इज नथिंग बट इम्पल्स फंक्शन जो होता है ओवर द पीरियड, उसका क्या समेश इंटीग्रेशन, इजंट इट। सिमिलरली स्टेप रिस्पॉन्स इज इंटीग्रेशन ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स, बट ही इज आस्किंग अबाउट द इम्पल्स रिस्पॉन्स। सो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया डी बाई डी टी ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है, बताया था ना कि ऐसा कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली जब लगाते हैं तो दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, ठीक है। डिफरेंशिएशन कुछ कॉन्स्टेंट टर्म्स को एलिमिनेट कर देता है, बट ऑप्शन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, द बेस्ट थिंग वी कैन चूज डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, लेट एक्स टी बी इनपुट टू एन एल टी आई सिस्टम, अगेन एल टी आई सिस्टम बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड, ओके, द रिक्वायर्ड आउटपुट इज 4xt-2, ये रिक्वायर्ड आउटपुट है आपका, y ऑफ टी इज नथिंग बट आउटपुट कितना है 4xt-2, दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम शुड बी, ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है, मतलब एस डोमेन में जाना पड़ेगा, तो मान लो आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, y ऑफ टी को क्या लिख सकता हूं मैं, y ऑफ s लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, कॉन्स्टेंट एज इट इज, टाइम में शिफ्टिंग किसकी हो गई है -2, राइट शिफ्टिंग हो चुकी है टाइम में, तो एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगा किसके, किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, e^-2s, और आपका फंक्शन है एक्स ऑफ एस, ठीक है। ही इज आस्किंग फॉर ट्रांसफर फंक्शन, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन ना, चलिए तो वाई एस अपॉन एक्स ऑफ एस, दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन 4e^-2s, यस और नो। चलिए एस के फॉर्म में नहीं दिया है, एस इक्वल टू जे ओमेगा यदि आप रख दोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4e^-2j ओमेगा, ओमेगा के फॉर्म में भी नहीं है भैया, आंसर आंसर एफ के फॉर्म में है, तो रिलेशन क्या है, ओमेगा इक्वल टू 2πf, यस और नो। चलिए ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन 4e^-4jπf, यस 4jπf। नाउ सी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये है आई थिंक 4e^-4πjf, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कितना आसान है, ठीक है। तो इस टाइप के लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम से, हर साल आ रहे हैं, ठीक है, इस साल आएंगे तो अपन बना के आएंगे, पक्की बात, गुड, प्रॉमिस कीजिए जल्दी से। चलिए अब आते हैं इसमें, तो मुझे इसे इरेज करने की जरूरत पड़ेगी, यहां पे खत्म कर दो इसको, चलिए ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है अ सिस्टम हैज कॉम्प्लेक्स पोल पेयर ऑफ -1 + -2j, पोल्स है आपके सिस्टम में, चलिए मान लो इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन सम डीसी गेन या उसका कुछ गेन रहने वाला है, दैट गेन, ठीक है, कुछ जीरो रहेंगे, पोल्स रहेंगे, तो पोल्स उसने दे दिया +1 + 2j, ठीक है, s +1 - 2j,
ये दो पोल आपके हो गए। देखो जो उसने बोला आपके पोल कौन कौन है, एस इक्वल टू माइनस वन प्लस टू जे, एक दूसरा है आपका माइनस वन माइनस टू जे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है दोनों, ठीक है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ओके। और आपसे बोला वो जीरो रियल जीरो है, एस इक्वल टू थ्री माइनस थ्री पे है तो एस प्लस थ्री ये आपका जीरो हो गया, तो ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब क्या बोला, द स्टेडी स्टेट आउटपुट टू यूनिट स्टेप, ये जो भी ट्रांसफर फंक्शन है सिस्टम का जो आप लिखने जा रहे हो यहां से, ये इसमें यदि यूनिट स्टेप इनपुट देते हैं तो आउटपुट जो भी आता है उसका स्टेडी स्टेट मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू है टू, उसकी वैल्यू है टू, ठीक है। चलिए इसको पहले फाइनल वैल्यू थ्योरम से हम यहां पे देखते हैं, y t at t इक्वल टू इनफाइनाइट वैल्यू इज गिविंग, वैल्यू कितना दिया हुआ है दो। चलिए आपको s डोमेन में सारी जानकारी है, फाइनल वैल्यू थ्योरम लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस, यस और नो। चलिए ट्रांसफर फंक्शन कहाँ है इसका, ये रहा इनपुट मल्टीप्लाई विद ट्रांसफर फंक्शन, तो यू विल गेट एफ ऑफ एस आउटपुट, यस और नो। चलिए करते हैं, यहां पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं वाई टी जो कि डायरेक्ट टू है ले लू मैं, चलिए लिमिट एस टेंस टू जीरो s मल्टीप्लाई विथ एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस इज नथिंग बट ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई विथ इनपुट, सो दिस इज नथिंग बट वन बाई एस मल्टीप्लाई विथ के एस प्लस थ्री डिवाइड बाई एस प्लस वन प्लस टू जे एस प्लस वन माइनस टू जे, टू पोल्स हो गए आपके, s से s गेट कैंसल्ड हो गया। अब आपको क्या वैल्यू रखनी है, आपको जीरो रखना है, तो दिस इज नथिंग बट के इंटू थ्री डिवाइड बाय यहां पे हो जाएगा वन प्लस टू जे, ये हो जाएगा वन माइनस टू जे इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट थ्री के, इसकी वैल्यू जरा जल्दी से बताइए, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है टू जे है, टू जे का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया, तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। सो दिस इज नथिंग बट द 3k 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 3k इज इक्वल टू, ये टोटल हो गया 5 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई ओवर हियर विल बिकम 10, सो k इज नथिंग बट 10 बाय 3, k इज नथिंग बट 10 बाय 3। अब आपका 10 k की वैल्यू भी आ गई, ट्रांसफर फंक्शन उसने पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट 10 बाय 3 एस प्लस 3, और नीचे क्या हो गया, चाहो तो दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां पे भी दिस इज नथिंग बट ए दिस इज बी दिस इज ए ये बी, सो ए माइनस बी ए प्लस बी बना है ना, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो एस प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आपका ये बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है, इज इट ओके, 4 बन जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं बाय व्हाट, बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 से, तो दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसफर फंक्शन जो कि उसने आपसे पूछा है, यस और नो, आसान है। सो इस टाइप से चीजें करना है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, इफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय दिस, द गेन के, कौन सा गेन, ये फॉर अ क्लोज लूप पोल टू बी एट दिस इज, ठीक। तो आपका बड़ी सावधानी से देखो, गेट में बड़ी सावधानी से पढ़ना पड़ता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल के बारे में पूछ रहा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का दिया हुआ है ना, और पोल इस पॉइंट पे दिया हुआ है, और आपको के की वैल्यू निकालना है जो कि है गेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, बात समझ में आ गई, यू हैव फोर ऑप्शंस, ओके। तो कुल मिला के बात यह है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, ओपन लूप दिया है सबसे पहले क्लोज लूप पे ले आइए आप, ठीक है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वन अपॉन वन सॉरी जी ऑफ एस वन अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ठीक है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बताइएगा, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यस और नो, क्लियर है इतना बात। अब आप देखिए जरा ध्यान से, और वो क्या है,
देखो आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये है, इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल किससे डिसाइड होंगे, जो पोल्स हैं वो कौन बताएगा, इसका डिनोमिनेटर बताएगा, क्लियर है। डिनोमिनेटर में कौन लिखा हुआ है, वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ठीक है। पोल कैसे आएंगे जब इसे जीरो के इक्वेट कर दोगे, इस इक्वेशन को बोलता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बोलता हूं। ये क्या देती है, रूट्स ऑफ द सिस्टम देती है, रूट्स ऑफ किसके, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, पोल्स होते हैं। तो जब नीचे की इक्वेशन को जीरो के इक्वेट करूंगा तो आपके पोल आएंगे, तो एक पोल क्या है, माइनस ये वाला एक पोल उसमें दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। तो जो भी रूट्स रहते हैं उस पर इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो होती है या नहीं, यस होती है, तो के की वैल्यू पूछी हुई है, तो आपके पास एवरीथिंग इज गिवन, वन प्लस जीओ पे एच ओ पे की वैल्यू आपको दे दी उसने, दिस इज नथिंग बट एस प्लस वन टू द पावर थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। के की वैल्यू पूछी तो इसको इधर लेके आइए जरा, एस प्लस वन टू द पावर थ्री प्लस k इक्वल टू जीरो, k अननोन है बिकॉज अब s की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं, s की वैल्यू एक पोल की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस वन बाई टू प्लस j रूट थ्री बाई टू, सभी एक बार बोलेंगे, खुद से करने की कोशिश कीजिए, आंसर आपको लाना है, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ सिखाना है जो कि मैं कर रहा हूं पूर्ण ईमानदारी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, s की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए जल्दी, माइनस वन बाई टू प्लस j रूट थ्री बाई टू प्लस वन टू द पावर थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो, एग्जीक्यूट कीजिए फास्ट। सो के इक्वल टू वन इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऐसे एग्जीक्यूट करना है आपको, कॉन्सेप्ट को समझना है फिर रिलेट करना है, गॉट द पॉइंट, गुड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रिजल्ट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस। एक ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स देता है, उसका रिस्पॉन्स आपको पता है कि दिस इज द रिस्पॉन्स, ठीक है। फॉर अ यूनिट इंपल्स इनपुट द डीसी गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज, डीसी गेन पूछा हुआ है, डीसी गेन क्या था, हमने डिस्कशन किया था ना डीसी गेन के बारे में, ठीक है। किसी भी सिस्टम का जैसे कोई सा भी सिस्टम है ट्रांसफर फंक्शन से डिफाइंड है, लेट्स टेक इट, मैं डिफाइन कर देता हूँ, 4 डिवाइड बाई एस प्लस 3 सपोज, ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। सिस्टम का डीसी गेन, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, डीसी गेन मतलब इस सिस्टम की वैल्यू स्टेडी स्टेट पे, इसकी वैल्यू, ये सिस्टम की वैल्यू स्टेडी स्टेट पे, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, सो ओमेगा इक्वल टू जीरो पे, सिस्टम की बात हो रही, आउटपुट नहीं लिया मैं, कोई इनपुट का रोल नहीं है, कोई फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ओमेगा इक्वल टू जीरो होता है, इस सिस्टम में जो रखता हूं तो मेरे पास आता है डीसी गेन, मेरे पास क्या आता है, डीसी गेन आता है, ठीक है। जैसे इसका डीसी गेन यदि मैं निकालूंगा, डीसी गेन तो वो आता है 4 डिवाइड बाई 3, इतनी बात आपको क्लियर है। अब इस पे आते हैं हम, ये जो सिस्टम है इसका रिस्पॉन्स आपको डायरेक्टली दे दिया गया है, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स आपको दे दिया गया है डायरेक्टली, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स है उसको यदि आप एस डोमेन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए जरा, ई टू द पावर माइनस टू टी का मल्टीप्लाई है डीके फंक्शन, साइन 5t और कोस 5t आपको लिखना आता है, साइन 5t कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, मल्टीप्लाई विद, सॉरी प्लस है बीच में, यह हो जाएगा आपका एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 25, हो गया आपका। चलो अब e टू द पावर माइनस टू टी की वजह से एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से शिफ्टिंग इन फ्रिक्वेंसी डोमेन s डोमेन हो जाएगा, s प्लस 2 हो जाएगा, यस और नो। देखा था ना e टू द पावर माइनस टू टी f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, f s प्लस 2, ठीक है, इसका जो लाप्लास होगा ना f ऑफ s
उसमें शिफ्टिंग हो जाएगी प्लस टू से बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई विद द फंक्शन, देखा था हमने। जिस भी बच्चों को दिक्कत है पुराने वीडियोस देखे लैपलास वाले, आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। चलिए ओके, मान लिया बात। तो ये हो जाएगा एस प्लस टू स्क्वेयर, यहाँ पे भी हो जाएगा एस प्लस टू स्क्वेयर, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन है ना, ये रिस्पॉन्स है इस सिस्टम का। अब ये जो है ये बोला फॉर अ यूनिट इम्पल्स द फॉर अ यूनिट इम्पल्स इनपुट द डीसी गेन ऑफ द सिस्टम इज। सो ये जो सिस्टम है ये डिफाइंड होता है इससे, बोल रहा है ये सिस्टम डिफाइंड है इससे। तो ये उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो गया ना, ट्रांसफर फंक्शन हो गया। इस ट्रांसफर फंक्शन को यूनिट इम्पल्स इनपुट दे रहे हैं तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, आपको जो भी आउटपुट मिलेगा एस डोमेन में दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ओनली। तो ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन पूछा गया है आपसे, तो आप क्या करेंगे, एस इक्वल टू जीरो रख देंगे यहाँ पे, एस इक्वल टू जीरो। सो दिस इज नथिंग बट 29 प्लस, ये तो जीरो हो गया टर्म, सो 5/29 इज नथिंग बट द डीसी गेन, 5/29 इज नथिंग बट द डीसी गेन। टेल मी द वैल्यू बाय कैलकुलेटर। सो कैलसी से सोल्व करने पे ये आता है 0.17। सो जैसे ही आप 0.17 एग्जाम में करके आते हैं आप सोचते हैं आपका क्वेश्चन सही करके आए, बट दिस इज गलत, ये रॉन्ग गया कम्प्लीटली। इसलिए बोला कि बड़ी सावधानी से करने का है। एस को जब शिफ्ट किया एस प्लस टू किया तो यहाँ पे जो एस है इसमें भी एस प्लस टू करना है कि नहीं करना है। तो अब आपकी जो कहानी हो जाएगी 5/29 प्लस 2/29, अब करके देखिए जरा 7/29, सो दिस इज नथिंग बट 0.24। सो 0.24 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखने की जरूरत है। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ और अंत तक देखिएगा जरा इसे, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज इतना, द स्टेडी स्टेट गेन ऑफ द सिस्टम टू अ यूनिट स्टेप इनपुट इज, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट गेन पूछा है दिए गए सिस्टम का, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पूछा हुआ है, तो स्टडी स्टेट पूछा हुआ है तो उसके लिए तो आपके पास सिंपल सी थ्योरम है, अंत तक देखना। लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू एफ ऑफ एस, दिस इज नथिंग बट द फाइनल वैल्यू थ्योरम टूल। ओके हाँ जी, अब क्या हुआ, जो सिस्टम है आपका वो डिफाइंड है किससे, आपका सिस्टम डिफाइंड है ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर से, ठीक। इसको आपने इनपुट दिया है 1/s और ये आपको कुछ आउटपुट देता है, ठीक आउटपुट देता है, ठीक है। तो उसने पूछा द स्टेडी स्टेट गेन ऑफ द सिस्टम टू द यूनिट स्टेप इनपुट इज, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन इस क्वेश्चन को रोंग वैसे करते हैं फिर सही वैसे करते हैं, ठीक। तो आउटपुट दिया हुआ है आपका, आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। तो आउटपुट यदि मैं बात करूँ y ऑफ s डोमेन की ही बात करूँ तो आउटपुट जो है y ऑफ s या f ऑफ s कुछ भी ले लो, दिस इज नथिंग बट 1/s मल्टीप्लाई विथ a डिवाइड बाय s स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब फाइनल वैल्यू से t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू दे सकता हूँ क्या मैं, यस और नो, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि सिस्टम क्या है, ओसीलेटरी सिस्टम है। क्या है, ओसीलेटरी सिस्टम। ओसीलेटरी सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगती, अनस्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगती, स्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड नॉट पॉसिबल, सो नॉट पॉसिबल इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। नॉट पॉसिबल दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन में दिया हुआ है। अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन, गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आप नॉट पॉसिबल करके आते हैं, 2 मार्क्स आपके गायब, 2.67 नेगेटिव भी चला गया क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है। दिस इज नॉट द आंसर क्वेश्चन, उसने आपसे आउटपुट नहीं पूछा है। सी उसने क्या लिखा है यहां पे, गेन, उसने क्या लिखा हुआ है यहां पे, गेन लिखा हुआ है। तो गेन क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस और नॉट, है या नहीं, देखना तो पड़ेगा। आउटपुट यदि पूछा होता, उसने पूछा है स्टेडी स्टेट आउटपुट,
आपका आंसर होता नॉट पॉसिबल, कारण होता आपका ऑसिलेटरी सिस्टम है, ऑसिलेटरी सिस्टम का आउटपुट इट इक्वल टू आप डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज टॉगलिंग आउटपुट रहेगा। लेकिन उसने तो आपसे नहीं पूछा कि आप आउटपुट बताओ, उसने तो आपसे गेन का पूछा है, तो गेन का पूछा है तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको साफ करते हैं और देखते हैं फिर। तो गेन की बात हो गई है ना, तो गेन फिर क्या है भाई, व्हाट इज दिस गेन सर? कोई सा भी सिस्टम होता है, कोई सा भी सिस्टम होता है आपका, तो हम बता रहे थे आपको आपके पास सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, ये सिस्टम रिप्रेजेंट होता है इसके ट्रांसफर फंक्शन से, इसको आप देते हैं इनपुट, ये आपको देता है आउटपुट, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सो आउटपुट हमेशा इनपुट और उस ट्रांसफर फंक्शन जो उस सिस्टम का है उन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन है, या सॉरी नो, तो रिलेशन क्या है, आउटपुट जो भी होता है जो ये सिस्टम देता है दैट इज द गेन ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई विथ इनपुट, इनपुट ऑलवेज मल्टीप्लाई विद द गेन ऑफ द सिस्टम और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आउटपुट। कहानी क्लियर है आपको इतनी? तो गेन और इन आउटपुट तो अलग अलग चीज है, आउटपुट और गेन तो अलग अलग चीज है। गेन ये सिस्टम जो प्रोवाइड करता है वो है आउटपुट, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड गेन जो आएगा वो आउटपुट है। इतनी बात समझ में आती है आपको? इतनी बात समझ, ये फंक्शन ऑसिलेटरी है मान लिया बात, ये जो फंक्शन है, ये जो सिस्टम है, ये ऑसिलेटरी सिस्टम है मान लिया बात, तो क्या ऑसिलेटरी सिस्टम का कोई गेन नहीं होता? यस, होता है ऑसिलेटरी सिस्टम का गेन। कौन सा? जो आपके ऑसिलेशन है उसका एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, आपका ऐसा है या ऐसा है, नेचुरल ऑसिलेशन या फिर ऐसा है, क्या है, क्या है गेन, सिस्टम का गेन क्या है, डिफाइंड बाय व्हाट, सिस्टम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इनपुट को, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन क्या है, दैट इज नथिंग बट द गेन ऑफ द सिस्टम और नॉट, टेल मी। ठीक है, इस सिस्टम का ऑसिलेशन है तो आप फाइनल वैल्यू नहीं बता सकते कि एट इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है, आप इसकी फाइनल वैल्यू नहीं बता सकते। मतलब कहने का मतलब ये, ऑसिलेशन है, इनपुट कुछ मिला, इसने आपको कंटिन्यूअस ऑसिलेशन दिया, मान लिया ऑसिलेशन दिया, तो एट पर्टिकुलर टाइम इनफाइनाइट पे ये टोगल कर रहा है, तो आप इसके एम्पलीट्यूड की फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते, इसलिए इसका आउटपुट नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल टू कमेंट कर दिया आपने। बट जो एम्पलीट्यूड है इस ऑसिलेशन का, जो गेन है, गेन ऑफ द सिस्टम है, उसको तो कंक्लूड कर सकते हैं ना हम, गेन ऑफ द सिस्टम। उसने पूछा स्टेडी स्टेट गेन ऑफ द सिस्टम, और स्टेडी स्टेट जो गेन होता है, स्टेडी स्टेट गेन ऑफ ए सिस्टम, इज नथिंग बट डीसी गेन जो होता है वो किसी भी सिस्टम का एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो गेन है उससे डिफाइंड है, वो डायरेक्ट बाय कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय पुटिंग ओमेगा इक्वल टू जीरो या एस इक्वल टू जीरो इन द इक्वेशन, सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, नो इनपुट आउटपुट, सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। तो ऑसिलेटरी सिस्टम है तो क्या इसका गेन नहीं होगा? यस होगा, ऑसिलेटरी सिस्टम हो गया, स्टेबल सिस्टम हो गया, गेन हो गया, लेकिन अनस्टेबल सिस्टम का कोई गेन नहीं होता। कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है, वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो आपका जो सिस्टम है वो डिफाइन हो रहा है ट्रांसफर फंक्शन ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है वो सीधा आपसे पूछा, स्टेडी स्टेट गेन ऑफ दिस सिस्टम, तो स्टेडी स्टेट गेन ऑफ दिस सिस्टम इज एट व्हाट, एस इक्वल टू जीरो पे, एस इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। ये ओमेगा आपका फ्रीक्वेंसी वाला टर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टेंट वाला टर्म है आपके पास, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इसमें जैसे ही एस इक्वल टू जीरो आप पुट करते हैं, आपको मिल जाता है इसका गेन, आपको इसको गेन मिल जाता है, और गेन इज नथिंग बट ए डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, ए डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। अगेन वो आपसे पूछ रहा है गेन के बारे में पूछ रहा है, वो आपसे आउटपुट के बारे में नहीं पूछ रहा है, बिकॉज अलग अलग बुकलेट जो मार्केट में है, अलग अलग कोचिंग की, कुछ कोचिंग यू नो नॉट पॉसिबल भी आंसर कर रहे हैं, कुछ ए बाय ओमेगा स्क्वायर भी। मेरी रिसर्च, मेरा नॉलेज जो भी, उसके हिसाब से द आंसर इज ए बाय ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ऑसिलेटरी फंक्शन भी खुद का गेन रखता है। ही इज आस्किंग अबाउट द गेन एट द स्टेडी स्टेट, सो उसका आंसर हम करके आएंगे ए बाय ओमेगा स्क्वायर,
दैट सेट। ठीक है।